बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने लेटर्स की रिव्यूइंग करने जा रहे हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ वी विल गोइंग टू लर्न लेटर ए, विच इज इज वट इज इज ए। द साउंड ऑफ ए इज ए। हेयर यू कैन सी सम ऑब्जेक्ट्स दैट स्टार्ट विद लेटर ए, like a ant, a ant, a apple, a axe, a arrow, a aeroplane, and a arm. Ant means chunti, apple means sev, axe means kulhada, arrow means teer, aeroplane jahaz, arm bazu. Here you can write लेटर ए एंड द एक्टिविटी इज सर्कल लेटर ए। आपने यहाँ पर लेटर ए पर सर्कल करना है और यहाँ पर लेटर ए की राइटिंग करनी है। ओके, द सेकेंड लेटर इज बी। द साउंड ऑफ बी इज ब, ब बैग, ब बॉल, ब बुक, ब बॉक्स, ब बॉय, ब बेबी। बैग, बैग मीन बस्ता, बॉल, बॉल मीन गेंद, बुक, बुक मीन किताब, बॉक्स, बॉक्स मीन डिब्बा, बॉय, बॉय मीन लड़का, बेबी, बेबी मीन बच्चा। हेयर यू राइट लेटर बी एंड द एक्टिविटी इज राइट बी। आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, लेकिन आपने उन ऑब्जेक्ट्स के साथ बी लिखने हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं, लाइक बॉक्स एंड बैग। बहुत से बच्चों ने ये एक्टिविटी की होगी और जिन बच्चों ने नहीं की वो इसको अपनी बुक्स में डन कर लें। द थर्ड लेटर इज सी। द थर्ड लेटर इज सी। व्हाट इज दिस सी? द साउंड ऑफ सी इज ख। द साउंड ऑफ सी इज ख। ख कैट, ख खोट, ख खाओ, ख क्रो, ख क्लॉक, ख क्वाइन। कैट मीन बिल्ली, खोट मीन कोट, खाओ मीन भैंस, क्रो मीन कौवा, क्लॉक घड़ी, क्वाइन सिक्का। हियर राइट लेटर सी एंड एक्टिविटी इज लीव सी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बॉक्स में आपको बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं। इनमें आपने लेटर सी को छोड़ के बाकी सब लेटर्स पर क्रॉस कर देने हैं। ओके, यू कैन सी हेयर दिस एक्टिविटी इज डन फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको लर्न करना है। इसके बाद आपने अपनी नोटबुक पर इसकी राइटिंग करनी है। We write here firstly letter A like this, right slant and left slant and one slipping line, those slants, and we make a half curve and standing line, a short slant like this. This is letter A, capital and small. Capital A, small a. Then we write here B. Firstly we draw a standing line, a curve and other curve. This is letter B, capital B. Then we make small b. We make a standing line and half curve. This is letter B, small b. Here we can write C. Half curve is C and half curve is C. You can see here the capital C in three lines and the small c in two lines. Allah Hafiz student, take care. आपने इसी तरह इसकी writing करनी है और इसको learn करना है।